नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना के चलते बंद सरकारी स्कूलों से सोलर प्लेट और पंखे चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 18 सोलर प्लेट व आधा दर्जन से अधिक पंखों सहित लाखों का माल बरामद किया है। चोरों का यह गिरोह लोगों की डिमांड पर स्कूलों के ताले तोड़ चोरी करता था। बुलंदशहर के पहासू थाना पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं सरजी, सचिन व सुनील, जो कोरोना काल में बंद सरकारी स्कूलों को निशाना बनाकर वहां से ऑन डिमांड चोरी किया करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए सरजीत की माने तो लोग उनसे सस्ती सोलर प्लेट और पंखे की डिमांड करते थे, जिसके बाद वह इलाके के बंद सरकारी स्कूल के ताले तोड़कर वहां चोरी की वारदात को अंजाम दे कम कीमत में सोलर प्लेट व पंखे आदि को बेच दिया करते थे। पासू थाना क्षेत्र में ऑनलाइन डिमांड का कोई मामला चोरी का क्या मामला है, कितने लोग पकड़े गए? ये थाना पासू क्षेत्र में स्कूलों में काफी चोरियां हो रही थी, जिसमें पैनल और पंखे जग वगैरह इस तरह के सामान काफी चोरी हो रहा था। इसमें आज पासू पुलिस को सफलता मिली और ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो करौरा गाँव है वहीं के सचिन और रहने वाले हैं। उनके पास से करीब 3 लाख का सामान बरामद हुआ, जिसमें सोलर पैनल है और पंखे हैं, बाकी जग स्प्रे फुटबॉल जो भी सामान चोरी हुआ था पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। 3 चोर इसमें पकड़े गए हैं, जो कुछ लोग खरीदते थे उनकी हम तलाश कर रहे हैं, उपलब्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों को सब जेल भेज, हाँ 3 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सरजीत। सरजीत, ये बताइए जो पैनल चोरी जो करते थे क्यों करते थे, किस तरह करते थे? सर कोई घूमता था तो पैनल फैलन है तो हम इसको दे देते थे ला करके। ऑन डिमांड चोरी करते थे? हाँ हाँ। क्या कहते थे लोग बात तुमसे? लोग कहते थे पैनल फैलन है ये 2-4 तो दे दे, उसको दे देते थे। कहाँ कहाँ से चुराए तुमने? स्कूल से चुराए थे, करोड़ से स्कूलों से चुराते थे। हाँ।